चलो सारा I'm not crying because of traffic. मैं इतनी stupid हूँ. सबको reality बताऊँ मैं तुम्हारी. Ta-da! वेलकम टू न्यू व्लॉग. मैं आ चुकी हूँ मुंबई अपनी बहन को लेके और हम लोग जा रहे हैं घर. काफ़ी बारिश हो रही है, काफ़ी मुश्किल से हमें कैब मिली और 59 मिनट्स का डिले भी दिखा रहा है घर पहुँचने के लिए बिकॉज बारिश प्लस शाम का समय. फ्लाइट भी डिले हो गई थी मेरी. एनी वे आई एम एक्साइटेड टू शो माई हाउस टू यू दीदी. आर यू एक्साइटेड? तुम सो जाओ, 2 घंटे लगे हमको. वेलकम टू मुंबई दीदी. दीदी कैसा लगा मेरा फ्लैट? इट्स क्यूटी. आते से सबसे पहले दीदी इसमें पानी डाल रही थी. गुड जॉब दीदी. ये थोड़ा सा मुरझाया है, ये तो चलो ठीक है. और इसका एक पत्ता जो है वो मुरझा गया है, एक दो पत्ता. The next day. Good morning. ये पर्पल वॉल, आई कांट गेट ओवर दिस पर्पल वॉल. इट्स सो ब्यूटिफुल. लुक एट माई आईज दो. आई स्लेप्ट अ लॉट एंड आई एम स्टिल फीलिंग स्लीप डिप्राइव्ड. सो अभी घर की हालत ऐसी है कि खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था तो वो सब मैंने ऑर्डर किया ब्लिंकिट से. ऑल्सो पानी नहीं था तो पानी ऑर्डर करना पड़ा मुझे. वो जो बड़ा 20 लीटर का बॉटल आता है ना वो हम लोग ऑर्डर करते हैं. ब्लिंकिट का सामान आ चुका है. ये वाले ग्रेप्स मुझे और दीदी को बहुत पसंद है तो वो मंगाए. गाजर, भिंडी, मिर्ची, दूध एंड पोहा. मेरे पैरों के नेल की हालत बड़ी ख़राब थी, नेल पेंट भी ख़राब हो रहा था तो दीदी ने शुरू कर दिया लगाना कि लेट मी डू दैट फॉर यू व्हाइल आई वाज वर्किंग ऑन माय लैपटॉप. I got ready to go to Sara's house. मैं उसे काफ़ी दिनों बाद मिलने वाली हूँ. I don't know whether I should say this to you guys or not, but there is a collab coming. उसके लिए मैं उसके घर जा रही हूँ to shoot some bits of that and बाकी का हम लोग बाद में shoot करेंगे. फजू! जब मैं आई थी कितना excited दिख रहा था वो और मैं पूछ रही थी फजू ये टीका किसने लगाया, but ये सारा की lipstick है and we should not disturb फजू because he is resting. सार, hello. मैं आ गई वापस. I missed you for real. Yes. You did? Because guys, मेरी एक ही दोस्त बची है, वो भी छोड़ के बचे. मेरे मतलब गिनती के दोस्त बचे, तमन्ना है, तू है, फिर साक्षी. इन लोग के साथ अगर मैं जब चिल कर रही हूँ तो चिल कर रही हूँ. ये मुझे बहुत गंदे गंदे मीम्स ही भेजी थी, घर आ जाओ, ये वो पता नहीं क्या क्या. ठीक है, ओके, चलो चलो सारा मुझे वो अलग दिया था उसने मुझे. चलो चलो लेट्स गो होम, दीदी इज वेटिंग. बैक होम. बहुत गंदी ट्रैफिक में फंसी थी मैं. आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज ऑफ ट्रैफिक. मैं इतनी स्टूपिड हूँ. प्याज काट रही थी और फिर आँखों से पानी निकल रहा था तो मैंने ऐसे कर दिया दोनों हाथों से. इसकी वजह से ये हालत है. इट्स नॉट वाटर प्रूफ दिस मस्कारा इज. आई एम मेकिंग पनीर भुर्जी डिनर के लिए. मेकअप उतार लेना चाहिए था मुझे बट भूख लग रही है. 10:30 बज गए थे आते आते घर. सो आई मेड पनीर भुर्जी. देखो इसका मैंने नहीं चलाया इसको. एंड द डिनर इज सर्व्ड. एक प्लेट मेरा, एक प्लेट दीदी का. दीदी ने पापड़ भी सेक दिए हैं. ये अभी बनाया गया है और ये बाकी भिंडी को थोड़ा सा सुधारा गया है बस. कुछ देखते देखते हम लोग लैपटॉप में खाएंगे मैं और दीदी. मैं और दीदी लिटिल मॉमेड देख रहे हैं. मैं बचपन में ये देखा करती थी यू नो कार्टून. अभी इसका मूवी बना है तो वी आर वॉचिंग दैट. कैसा बनाया मैंने पनीर भुर्जी? प्लीज टिप्पणी दे. यम्मी. सॉरी अबाउट माय आईज. इट वॉज नॉट वाटर प्रूफ मस्कारा, आई नो दैट, बट इट वॉज प्याज जो मैंने ऐसे से कर दिया. Several days later. Guys, इस वक्त मैं लोअर परेल में हूँ. यहाँ पे मैं हनीकॉम की ऑफिस आई थी. सो दैट्स माई मैनेजमेंट एजेंसी. आई हैव हायर्ड देम टू मैनेज मी. आई थिंक दिस इज अ न्यूज. या दिस इज अ न्यूज गाइज. सो या न्यूज. आई वर्क विद एन एजेंसी नाउ. एनीवे तो मैं ऑफिस देखने के लिए आई थी, मेरे मैनेजर से मिलने आई थी, उनकी टीम से मिलने के लिए आई थी. काफ़ी अच्छा लगा मिल के सबसे. अब हम वापस जा रहे हैं. अभी हम सोच रहे थे कि हिल रोड चल देते हैं, देखते हैं वहाँ पे ऐसे घूमेंगे, पर ट्रैफिक इतनी हो रखी है कि अब हम प्लान कैंसिल कर रहे हो. सोचे घर चले जाते. चलती क्या दीदी इज विथ मी बाय द वे. दैट्स माई सिस्टर. सैड हो गई है वो, भूखी है वो, भूख लग रही है उसको. Two hours later. Look who is back. I'm back. Soupy.
क्या तूने मुझे एम आई एसेस किया? यस किया। मैंने भी तुझे एम आई एसेस किया। माय वाइफ एंड माय हस्बैंड, आई मिस्ड यू, आई रियली मिस्ड यू सोफी। यस भूल नहीं कुछ भी, मैंने तेरे को सारे अपडेट्स दिए थे ना कॉल कर करके, जीवन में क्या चल रहा है सब बता दे, मैंने तुझे बोला भी था। गाइस सूपी का बर्थडे था 28 अगस्त को, मैं तो यहाँ थी नहीं तो हम लोग ने पेस्ट्रीज मंगाई फ्रॉम हियर एंड हम अभी उसे कटवाएंगे पेस्ट्रीज। द थिंग इज कि दीदी ने प्लान को थोड़ा सा कर दिया और शी ऑलरेडी सॉ दिस, ही हैड वन जॉब दीदी टू मेक श्योर कि सुप्रिया अंदर ना आए, पर चलो कोई नहीं कोई नहीं, लेट्स गो लेट्स गो, कम दीदी कम। सुप्रिया प्रिटेंड करके बैठ गई, चल हे भगवान प्रमोशन हो जाए, हे भगवान अच्छा एक सेव करके रखते हैं दीदी, एक सेव करके रखनी है, पकड़ के रखो दीदी, तुम मशाल काट दे। सुपर लाइक ऑफिस चल रहा है, पौधे केक कट रहा है, क्या हो रहा है? ओ मुझे खिला रही है, रुक जा मैं तुझे खिलाती हूँ, ला ला दे। कैसी है? खाया भी नहीं उसने, रुक तो जा। आई डोंट टेस्ट बट तो लग गए होंगे ना अब तक, अच्छी है। गाइस मैं सुप्रिया के लिए सूपी, दीज आर फॉर यू। ये मुझे नहीं पता है, ये तुझे बिल्कुल नहीं पता है। अच्छा ये वो है ना? हाँ ये वो फिलगिरी वाले इयर रिंग्स है, रियल सिल्वर के। कैसे लग रहे? बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, योर लव फॉर चिकन करी एंड नाउ योर लव फॉर चिकन करी आल्सो सूपी। ओह वाओ, शॉट शॉट बता रहे बा। सब्जी सुप्रिया इज ऑलरेडी टेस्टिंग, लेट्स आस्क हर हाउ इज द सब्जी आज मैंने बनाई है। कितनी अच्छी दिख रही है ना सुप्रिया सब्जी, पसीने छूट गए मेरे। And she's also having imli ka achar. She never had imli ka achar. Ah, you bought this thing. Hai na? 2000 years later. Literally couple of days baad I am vlogging. Aapko pata hai, मैं भोपाल गई थी, भोपाल से वापस आ भी गई, घर में बहुत कुछ कुछ हो चुका है, लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, लाइफ अपडेट वीडियो में आपको ये सब सुनने को पता चल गया होगा। एनी वे आई वोक अप प्रीटी लेट, आई वाज अपसेट लास्ट नाइट, आई वाज क्राइंग आल्सो, इसलिए मैंने ये ग्लासेस पहन के रखे हुए हैं। आज क्या होने वाला है कि हमारे फर्नीचर आने वाले हैं, ठीक है, इस रूम के। मैंने फर्लिंको से रेंट किया है फर्नीचर 3 महीने के लिए। एक बेड आएगा, कबर्ड आएगा, साइड टेबल आएगा, उसके बाद दूसरी चीज़ें भी मैं वहाँ से रेंट करूंगी वंस आई विल गेट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फर्नीचर। सो सारा का सार मैट इज गोना गो टुडे उसके घर, वो रैप अप करना पड़ेगा, ये सब एरिया मुझे क्लीन करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ यहाँ बेड आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कबर्ड आ जाएगा एंड वहाँ साइड टेबल। सूपी रुक जा, सूपी लाइक मैं जिम जाती हूँ, जिम मैं कर लूंगी पूरा, उठा के ले गई वो, खाली हो गया ये। अभी बेड आएगा हमारा यहाँ पे और मैट्रेस भी आ रहा है, इसलिए मैट्रेस हट गया। 2 hours later. मेरा बेड और कबर्ड आ चुका है, फर्लिंको वाले आए थे, उन्होंने सब अरेंज किया, खुद ही अरेंज किया, खुद ही क्लीन किया, जो भी जो कार्डबोर्ड वगैरह होते ना जिसमें वो लेके आए थे वो सब लेके चले गए। आई मस्ट टेल यू दिस कि दीज आर लाइक यूज्ड फर्नीचर, ओके, सो इसमें ना ऐसे 19-20 भी नहीं कहूंगी, 18-20 वाला सिचुएशन है इसमें, कुछ अच्छा है कुछ नहीं है। तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, बट रूम की हालत एकदम खराब है क्योंकि मैं वीडियो फिल्म कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है बेड सूपी थोड़ा अच्छा है, क्वालिटी वाइज इट इज एवरेज ना, मुझे कितने खराब हालत में इट्स फॉलिंग अपार्ट। ये ऐसे इसको स्क्रैच करो ना तो ये पूरा निकलता है, so that's one issue and this is not properly cleansed as well, look at this, so that's another issue। yahan pe bhi ek daag hai,
दैट्स अनदर इशू. तो उन्होंने प्रॉपरली इसे क्लीन नहीं किया है. दिस इज द साइड टेबल, आप देख रहे हो यहाँ से ये क्रैक हो चुका है. तो उन्होंने बोला कि ये वो एक्सचेंज कर देंगे, आप कॉल करके बोल देना फर्लिंको वालों को दैट यू आर नॉट हैप्पी विथ इट, आपको ये एक्सचेंज कराना, तो वो कर देंगे. बाकी बेड का तो ऐसा है कि आई डोंट नो कि अगर मैं एक्सचेंज करने जाऊंगी इससे खराब आ जाएगा इससे बेटर आ जाएगा, आई रियली डोंट नो. बाकी कबर्ड की सिचुएशन ठीक है, इट इज यूज्ड कबर्ड दिख रहा है, इसमें समझ में आ रहा है कबर्ड को देख के, बट ठीक है यार अब क्या करूं मैं. 3 days later. हेलो, नए बेड पे बैठी हुई हूँ मैं, जो मुझे एक्सचेंज कराना है. अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है फर्लिंको वालों ने मेरे ईमेल का, मैंने कंप्लेन रेज किया है. एनीवे, कल मैं एक इवेंट पे जा रही हूँ, बेनिफिट का इवेंट है. दिस इज माय फर्स्ट इवेंट इन मुंबई, जस्ट काम के लिए मैं मुंबई आई थी, टू मेक नेटवर्क, ऑल्सो टू लिव इंडिविजुअली, टू गेट टू नो माई सेल्फ, टू क्रिएट मोर कॉन्टेंट. आई नो काफ़ी दिनों से ब्लॉग्स नहीं आए, वीडियोज़ नहीं आए, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम वर्किंग ऑन इट. थोड़ा सा बैकएंड में जो बहुत सारे पेंडिंग वर्क थे ना वो फिनिश कर रही हूँ बेसिकली मैं अभी. एनीवे, तो उस इवेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड जाने के लिए. आउटफिट जो मैं पहन रही हूँ पिंक है थीम. जो मेरी एजेंसी है वो मेरे लिए आउटफिट आउटसोर्स नहीं कर पाए, वो उन्होंने ट्राई किया, बट ब्रांड्स का कहना है कि मेरा प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है कि वो मुझे आउटफिट दे पाए बेसिकली आउटसोर्सिंग के लिए. आई होप इट मेक सेंस. चलो कोई नहीं, वो टाइम भी आएगा जब दूसरे ब्रांड्स आउटसोर्स करने के लिए आउटफिट अपने देंगे. रेंटिंग एक ऑप्शन है बट मुझे इतना आइडिया नहीं है मुंबई को लेके कि कहाँ मैं रेंट कर सकती हूँ. तो मेरे पास एक बहुत ही प्रिटी सा सूट है जो मैंने एक बार ऑलरेडी पहना हुआ है, वो मैं पहनूंगी. कॉटन एक्शन. क्या कर रही हो तुम? सबको रियलिटी बताऊँ मैं तुम्हारी, क्या करती हो तुम? ये लड़की मुझे कोई काम नहीं करने देती है, सारा काम खुद कर लेती है. बोलती है अरे तू काम कर रही थी ना अपना, इसलिए मैंने खाना बना दिया. तू काम कर रही थी इसलिए मैं तेरे लिए कॉफी और चाय बना दिया. जस्ट किसी ने भी कॉमेंट किया था ड्रीम रूममेट टू हैव, इट्स रियलिटी गाइस. इतनी अच्छी है ना कि मेरे को ना एकदम शर्म आती है कि मैं कुछ काम नहीं कर रही. यही दिन तो याद आएंगे पागल. हाँ, ये छोटी छोटी बातें याद आएंगी. कुछ ही महीने भी नहीं, कुछ ही दिन बचे. You just tell me what I need to do. मैं बनाऊंगी डिनर, ठीक है? तू नहीं टच कर रही कुछ भी. Okay, it's fine. Yes, we are making खिचड़ी. देखो खिचड़ी बन गई, अब टेस्ट करके पता चलेगा. एक्चुअली सुप्रिया वैसा ही अच्छी दिख रही है. सुप्रिया तुम दही क्यों नहीं खा सकती बताओ? क्योंकि मुझे खांसी हो रही है. क्योंकि तुम्हें हो गया. टेस्ट टेस्ट. वेट, अच्छा है? नमक भी सही है ना? थैंक्स सुप्रिया फॉर असिस्टिंग मी. मैं रेडी हो चुकी हूँ बेनिफिट के इवेंट के लिए. दिस इज माई आउटफिट. मैं आज ही लेके आई आउटफिट. जो आउटफिट डिसाइड किया था वो मैंने डिच कर दिया. एंड आई बॉट अ न्यू आउटफिट फॉर द इवेंट. यस, फॉर द इवेंट पर्टिकुलरली. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस इवेंट के लिए, क्योंकि भोपाल में रहती तो शायद मौका नहीं मिलता, बट मैं मुंबई में हूँ तो मुझे मौका मिल पा रहा है कि मैं ये इवेंट अटेंड कर पाऊँ. सुप्रिया कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही अच्छी लग रही है ना? और मैस दिखाती हूँ आपको. मैस, व्हाट अ मैस. सरप्राइज वाला मैस. सरप्राइज वाला मैस. सरप्राइज लव लव लव. चल सुप्रिया, मिलती हूँ मैं तुझे कुछ घंटों में. बाय. आई एम ऑन माय वे. मैंने उबर बुक किया है. 35 मिनट्स दिखा रहा है मुझे. आई एम ऑन टाइम. 5:30 का इवेंट है. मेरी मैनेजर भी आ रही है. So Benefit ka event was for the launch of Share the Light Festive Kits, and the face of this campaign is Ashna Shroff. Sach batau to event ke starting mein I was feeling little out of the place. Fir maine apne aap ko compose kiya. I started talking to people. I met so many creators. Jitna vlog kar paye maine kiya aap log ke liye. I met Sanish. Fir apni Sara bhi aa gayi thi. This is Riya I'm talking to. Aur acha content banati ho isko YouTube mein. अरे बात करने का मौका नहीं मिला, आज मिला. हाँ, that is true. But she is so sweet. मैं नर्वस हूँ. बात करें. Hi Ashna, you're so pretty. Thank you. How are you? Thank you so much. I actually followed the theme. I was so scared that people wouldn't take it seriously, but quite a few people actually did. No, I was scared that I won't be able to get something pink. But in touch with pink was, you got it right. Perfect. ये friendly है, ये सबसे इतने अच्छे से मिल रहे हैं. मैं बोला नहीं, like about her aura. Guys, her aura is so nice. Thank you, thank you. Yo, Sara ja, kya kaha? Give me soul crushing hug right now. आज हम दोनों ने ऑफ शोल्डर पहना, हमने प्लान नहीं किया. Yes. Soupy, I got you this. Open. And you love to open parcel, na? Yes. Oh my God. That's so many, though.
The big reveal. Ta-da! क्या क्या दिया है? मैंने भी नहीं देखा. ओह, दिस इज मस्कारा, दिस इज टिंट, आईब्रो, बेनिफिट का हुला. हमेशा से ट्राई करना चाहती थी. ये कहते हैं हुला ला. यस, हुला ला. ये भाई वाला हुला ला. ये का प्राइमर. और बड़ी एकदम अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही है मुझे. दिस इज कॉल्ड जुकीनी. आज तक जुकीनी टेस्ट नहीं किया है. बहुत सुना था मैंने इसके बारे में. और सुप्रिया ने मुझे बताया कि ये येलो भी आता है, ग्रीन भी आता है. टू टाइप्स ऑफ जुकीनी. इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू ईट इट. इट लुक्स लाइक क्यूकम्बर हैज फक ऑफ आई टू मच. येलो हो गया क्यूकम्बर. ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है. एंड दिस इज द पास्ता दैट वी आर यूजिंग टूडे. Supriya is very excited to make it. ये हमारा first non-Indian dish है. Our pink sauce pasta is ready. Supriya ने उसे कम चीजी रखा है क्योंकि मुझे ज्यादा चीजी पसंद नहीं. तो Supriya is like नहीं, तुझे जैसा पसंद है वैसा बनाएंगे. But it looks so yummy और हमारा sauce is very tasty. अब मैं मान गई Supriya को, वो सब कुछ अच्छा बना सकती है क्योंकि वो बहुत प्रेम से बनाती है. Secret ingredient is प्यार. बहुत ही अच्छा यार, बहुत ही अच्छा.